शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख का अहि छत्र और पार्श्व को मन मंदिर में धा। पारसनाथ जगत हितकारी हो स्वामी तुम व्रत के धारी। तुमसे कर्म शत्रु भी हारा तुम कौना जग का निस्तारा। अश्वसेन के राज दुलारे वामा की आँखों के तारे। काशी जी के स्वामी कहाए सारी प्रजा मौज उड़ाए। एक दिन सब मित्रों को लेकर सैर करण को हाथी पर कस कर अंबारी एक जंगल में गई सवारी। एक तपस्वी देख वहां पर उससे बोले वचन सुनाकर। तपसी तुम क्यों पाप कमाते इस लकड़ में जीव जलाते। तपसी तभी कुदाल उठाया उस लकड़ को चीर गिराया। निकले नाग नागनी कारे मरने के थे बेचारे। रहम प्रभु के दिल में आया तभी मंत्र नवकार सुनाया। मर कर वो पाताल सिधारे पद्मावती धरणेन्द्र कहाए। तपसी मर कर देव कहाया नाम कमठ ग्रंथों में गाया। एक समय श्री पारस स्वामी राज छोड़कर वन तप करते थे ध्यान लगाए। एक दिन कमठ वहां पर आए फौरन ही प्रभु को पहचाना। बदला लेना दिल में ठाना बहुत अधिक बारिश करवाई। बादल गरजे बहुत अधिक पत्थर बरसाए स्वामी तन को नहीं हिलाए। पद्मावती धरणेन्द्र भी आए प्रभु की सेवा में चित लगाए।
पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। धरणेन्द्र ने फन फैलाया, प्रभु के सिर पर छत्र बनाया। धर्मनाश प्रभु ज्ञान उपाया, शमो शरण देवेंद्र रचाया। यही जगह अहि छत्र कहाए, पात्र केशरी जहाँ पर आए। शिष्य 500 संग विद्वाना, जिनको जाने सकल जहाना। पार्श्वनाथ का दर्शन पाया, सबने जैन धर्म अपनाया। अहि छत्र श्री सुंदर नगरी, जहाँ सुखी थी पर जा सगरी। राजा श्री वसुपाल कहाए, वो एक दिन जिन मंदिर बनवाए। प्रतिमा पर पॉलिश करवाया, फौरन एक मिस्त्री बुलवाया। वह मिस्त्री मांस खाता था, इससे पॉलिश गिर जाता था। मुनि ने उसको उपाय बताया, पारश दर्शन व्रत दिलवाया। मिस्त्री ने व्रत पालन कीना, फौरन ही रंग चढ़ा नवीना। कदर 57 का किस्सा है, एक माली को यूं लिखा है। माली एक प्रतिमा को लेकर झट छुप गया कुएं के अंदर। उस पानी का अतिशय भारी, दूर होए सब रोग बीमारी। जो अहि छत्र हृदय से ध्यावे, सो नर उत्तम पदवी पावे। पुत्र संपदा की बढ़ती हो, पापों की एकदम घटती हो। है तहसील आंवला भारी, स्टेशन पर मिले सवारी। रामनगर एक ग्राम बराबर, जिसको जाने सब नारी नर। 40 को चंद्र बनाए, हाथ जोड़